हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरएम सिविल सर्विसेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस 2024 के एग्ज़ाम्स अक्टूबर में ही शेड्यूल्ड हैं और हम मेंस रिलेटेड जो न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे थे। उन पर एक ऑथेंटिक कंटेंट हम अपने इन लेक्चर सीरीज़ के द्वारा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये यूज़फुल लग रहा होगा। लेक्चर अटेंड करने के दौरान आपको ब्रीफ में नोट्स बनाते चलना है, जिससे आप फर्दर इसे रिवीजन भी कर सकेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम सोशियोलॉजी पार्ट पे देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में होता है फैमिली। फैमिली, जहाँ से वो कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी बच्चा कुछ भी चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है और फिर फर्दर आगे चलकर वो समाज के संपर्क में आता है। तो इसलिए सबसे पहला बेसिक जो इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो है फैमिली। नाउ नेक्स्ट कम्स इज एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। लिटरेसी और एजुकेशन दोनों में फ़र्क होता है। लिटरेसी जो होती है, लिटरेसी यानी साक्षरता का यानी अक्षर का ज्ञान होना, और शिक्षा यानी एजुकेशन जो होती है, इसका मतलब कि जो भी सीखा गया है ना, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना, उसे यूज़ कर पाना जब हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन जो है, इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो एजुकेशन है उसकी डेफिनेशन लिखी है कि एजुकेशन वो है जो एक पर्सन को सेल्फलेस और सेल्फ रिलायंट बनाता है, यानी कि निस्वार्थी और आत्मनिर्भर बनाता है। तो वो है एजुकेशन, एक ऐसा टूल है। नेक्स्ट है कि जो उपनिषद्स हैं वो कहते हैं, उपनिषद के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो एक एंड प्रोडक्ट है। उपनिषद के अकॉर्डिंग ये जो एजुकेशन है वो एक एंड प्रोडक्ट है, जिससे क्या मिलता है, साल्वेशन, या कह सकते हैं हम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये किसके द्वारा है, अब उपनिषद्स में ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो ने एजुकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है। प्लेटो ने कहा है कि ये एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ चलती रहती है। यानी इंसान, व्यक्ति के जीवन में, जीवन का जो ये चक्र है ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक में एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस होती है एजुकेशन। मतलब लाइफ लॉन्ग कुछ सीखते रहना है ना, और डायनेमिक इन नेचर होती है, मतलब समय के साथ ये बदलती भी रहती है। नई नई चीज़ें जो भी आएंगी वो अडाप्ट करते हुए आगे बढ़ना। तो ये चीज़ किसने बताई थी, प्लेटो ने कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है। नाउ नेक्स्ट कम्स कि एजुकेशनल एम क्या है। तो एजुकेशन के एम क्या क्या हैं, ये हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है, हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, हमारा समाजीकरण करता है, करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इनकलकेट सिविक सेंस से यहाँ पर जैसे हम यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकना, गंदगी ना फैलाना, जिस जगह पर हम गए हैं, खड़े हैं, तो उस जगह के नॉर्म्स को फॉलो अप करना, ये सारी चीज़ें सिविक सेंस कहलाती हैं। एक दूसरे को सम्मान करना, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है इससे, और एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, एक लाइवलीहुड तक पहुँचाने में भी एजुकेशन एक बहुत ही मास्टर टूल की तरह काम करता है। नाउ नेक्स्ट कम्स की प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन की प्रोसेस बेसिकली फाइव स्टेप्स से वेरी करती है, में चलती है। जैसे कि पहला होता है टीचिंग यानी शिक्षा, मतलब शिक्षक हमें पढ़ाएंगे। दूसरा होता है लर्निंग, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसे सीखेंगे, जो भी टीचर ने बताया, पढ़ाया, जो भी नॉलेज टीचर ने दिया वो स्टूडेंट्स जो है लर्न करेंगे, उसे ग्रास्प करेंगे। असेसमेंट, फिर जैसे एक यूनिट हमने पढ़ ली, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, तो वो एक असेसमेंट हो गया कि हमने क्या क्या सीखा।
इसके बाद आते हैं इवेल्यूएशन। ओवरऑल एक लाइफ प्रोसेस में हमने जो जो सीखा है या टीचर्स ने जो जो सिखाया, स्टूडेंट्स ने जो भी सीखा, उन सब के आधार पर हमारा एक टेस्ट होगा और उसी के आधार पर हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगा और ये कहला गया हमारा रिपोर्ट। ओके, ये कहला गया हमारा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन से ये तय होगा कि हम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हैं या नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है इम्प्लीकेशन, यानि टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, इवेल्युएशन, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू जो भी हमने सीखा है वो हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को यूज़ कर सके जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिससे एजुकेशन प्रोसेस उभर कर आती है, ठीक है, अपनी जर्नी तय करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो एजुकेशन, हियर एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द वन ऑफ द बेस्ट टूल टू ब्रिंग आउट द चेंजेस इन वर्ल्ड। दुनिया में अगर चेंजेस लाना है, विश्व स्तर पर भी चेंज लाना है, तो एजुकेशन सबसे बेहतर टूल जो है वो साबित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके, तो चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला है क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक कंस्ट्रेंट बना हुआ है, अभी भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर निर्भरता होनी चाहिए शिक्षा की। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, कई सारे अभी भी एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोगों की पहुंच शिक्षा तक के नहीं हो पा रही है, सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना की कमी है। हाई ड्रॉप आउट रेट्स, ये बेसिकली गर्ल्स में ज़्यादा देखा जा रहा है, फीमेल ओरिएंटेड जो ग्रुप है तो वो उसमें हाई ड्रॉप आउट रेट्स देखे जा रहे हैं। लड़कियाँ जल्दी ही स्कूल छोड़ देती हैं हायर एजुकेशन के लिए, ना जाकर ट्वेल्थ के बाद या टेंथ के बाद ही अपना स्कूल ड्रॉप कर देती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि अब जो भी रिसोर्सेज है उन तक की एक्सेसिबिलिटी के लिए दे नीड मनी की ज़रूरत है, बट इस तरीके से बहुत ज़्यादा हाई रेट होने के कारण या एक्सपेंसिव चीज़ें होने के कारण फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स की कमी है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर जो गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स चलाए जा रहे हैं शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, तो वो उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे RTE एक्ट 2009 जो है ना, ये आर्टिकल 21A के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। ओके, नाउ नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। वोकेशनल एजुकेशन, अगर स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये सभी कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अपनी साइड से इनिशिएट किए हैं एजुकेशन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए और लोगों तक एजुकेशन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है रिलीजन, तो नेक्स्ट जो सोशल इंस्टीट्यूशन वर्क करता है वो है रिलीजन। रिलीजन के बारे में बात करें तो रिलीजन जो है एक धर्म क्या है, धर्म है आध्यात्मिक शक्ति में आस्था होना ही धर्म है। धर्म क्या है, आध्यात्मिक शक्ति यानी स्पिरिचुअल बीइंग्स में, स्पिरिचुअल पावर्स में बिलीफ होना, आस्था होना ही धर्म है, ठीक है, ये हो गया धर्म। नेक्स्ट है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मोरल वैल्यूज़ डेवलप करता है, डेवलप्स एथिकल वैल्यूज़ डेवलप करता है। एपिक स्टोरीज जो होती हैं जैसे कि रामायण महाभारत हो गई, तो इनसे लोग इन स्टोरीज से लोग मोटिवेटेड होते हैं और इंस्पायर्ड होते हैं। नेक्स्ट सोशल हार्मनी प्रीच करता है, सोशल हार्मनी यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना, है ना, भाईचारे की भावना लेकर चलना, समान भाव से रहना, तो ये सारे चीज़ें जो है ये प्रसारित होती हैं। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस देख लेते हैं, तो रिलीजन के फंक्शंस में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से रिलीजन से ऐसे कनेक्ट हो रहा है कि हम कुछ कोटेशंस यूज़ करते हैं कि भगवान से तो डरो, भगवान सब देख रहा है ना, ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाला सब देख रहा है,
तो ये एक तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन को इनकलकेट करता है कि हमें गलत और सही के बीच में चुनना चुनने में मदद करता है. ओके ना, ये हमारी इनर वॉइस की तरह है एक तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट है सोशल यूनिटी. आपस में एकता बना कर रखता है, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस वो भी बना रहता है. नेक्स्ट है कल्चर कैरियर, मतलब जनरेशन वन से नेक्स्ट जनरेशन तक के जो भी कल्चर, संस्कृति, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, कस्टम्स हैं वो ट्रांसफ़र होते चलेंगे. नेक्स्ट कम्स वर्णा सिस्टम. तो वर्णा सिस्टम के बारे में अब देख लेते हैं. वर्णा सिस्टम जो है ये एक संस्कृत का वर्ड है, वर्णा ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है कलर या फिर कह सकते हैं क्लास. ठीक है, नेक्स्ट है अगर ओरिजिन थ्योरीज की बात करें तो ओरिजिन थ्योरीज में ओके वर्णा सिस्टम जो है ये बेसिकली कब से इवॉल्व हुआ है, तो ये वैदिक पीरियड से इवॉल्व होकर आया है, वैदिक पीरियड से इवॉल्व होकर आया है. नेक्स्ट अगर हम वैदिक पीरियड में बात करें तो ऋग वैदिक पीरियड यानी जो अर्ली वैदिक पीरियड रहता है वहाँ पर वर्णा सिस्टम जो है वो कर्म पर बेस्ड रहता है ना. और उसके बाद फिर लेटर वैदिक एरा में जो वर्णा है वो ऑन बर्थ पर जन्म आधारित हो जाता है, बर्थ पर निर्भर हो जाता है. मतलब पहले जो जिस काम को कर रहा होगा वो उस वर्ण का कहलाएगा. ये था अर्ली वैदिक. नाउ नेक्स्ट जब लेटर वैदिक में क्या हो गया, जन्म यानी जिस भी फैमिली में आप जन्म लोगे उसी फैमिली के प्रोफेशन में ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज़ थी. आगे अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन थ्योरीज में दो थ्योरीज प्रेवलेंट है, एक है ट्रेडिशनल थ्योरी, एक है सोशियो हिस्टोरिकल थ्योरी. जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो ये कहती है कि एक कोई आदि पुरुष रहे हैं और उनकी बॉडी में से, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से ये चार वर्ण जो हैं वो निकल कर आए हैं. मेन वर्ण जो ऋग्वेदिक में दिया हुआ है वो चार दिए हुए हैं. तो वो चार कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे आदि पुरुष जो हैं उनके माउथ से ब्राह्मण निकले हैं, उनके आर्म से क्षत्रिय निकले हैं, उनकी थाइस से कौन निकला है, वैश्य, और शूद्र निकले हैं उनकी फीट से. ठीक है, तो इन जगहों से ये आदि पुरुष की बॉडी से इस तरीके से ये चार वर्ण निकल कर आए हैं. नेक्स्ट है सोशियो हिस्टोरिकल थ्योरी. तो सोशियो हिस्टोरिकल थ्योरी में अराइवल ऑफ आर्यंस पर बेस्ड बताया है कि अराइवल ऑफ आर्यंस होता है और उन्होंने अपने आप को वेरियस ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लिया था. जैसे राजन्य जो होंगे वो क्या करेंगे, वो एज अ वॉरियर रहेंगे यानी क्षत्रिय. प्रीस्ट क्लास जो होगी वो ब्राह्मण्स की तरह रहेंगे. क्राफ्ट्समैन जो है वो वैश्य रहेंगे और लोकल सर्वेंट्स जो होंगे वो शूद्रास होंगे. ओके, तो ये थी हमारी दो ट्रेडिशनल थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ वर्णा सिस्टम. नाउ गवर्नमेंट ने इन वर्णा सिस्टम्स को कम करने के लिए या लोगों को सेफगार्ड पहुंचाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए. तो अफर्मेटिव एक्शंस जो इसके लिए लिए गए, पहला तो SC/ST Act 1989 लागू कर दिया गया. दूसरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इस चीज़ के तहत उन लोगों को सेफगार्ड करते हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. जो जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन. नेक्स्ट है कि रिजर्वेशन SC/ST, OBC, वुमेन, तो इन्हें क्या है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया है. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनसे इन्हें सेफगार्ड किया जा रहा है. नेक्स्ट कम्स के ऋण क्या है. अच्छा, ऋण का एक नॉर्मल लेवन लैंग्वेज में कहें तो ये उधार, ये एक तरीके से लोन, जैसे हम बोलते हैं ना लोन, वैसा कुछ डेप्ट है जो कि लोग इंसानों पर भारित होता है. और ये तीन प्रकार के ऋण होते हैं. ओके, पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण. ठीक है, तो देव ऋण जो है ये आता, इसके तहत क्या आता है, नेचुरल्स गिफ्ट जो है हमारे पास, नेचर्स गिफ्ट्स जो है हमारे पास
जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गई, पेड़ पौधे हो गए, हमारा खुद का जीवन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ये नेचर ने हमें गिफ्ट की हैं, और इसलिए बाय नेचर्स गिफ्ट हमें मिला है, और इसलिए ये हम पर भारित है, हम पर इसका कर्ज है। और इस कर्ज को हम कैसे, इस उधार को हम कैसे चुकाएंगे? बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, बाय एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे तो ये ऋण चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऋषि ऋण के तहत क्या आता है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें जो सिखाया, जो ज्ञान दिया, वो हम पर एक ऋण की तरह है, और हम उस ऋण को कैसे चुकाएंगे, उस नॉलेज को चुका सकते हैं, नॉलेज के ऋण को हम चुका सकते हैं, आइदर बाय शेयरिंग द नॉलेज, दूसरे के साथ उसे शेयर करके जो हमने सीखा हम दूसरे किसी को सिखा सकें। और एक और तरीका है इसे चुकाने का, वो है कि जो भी एक्वायर्ड नॉलेज है ना, हमने जो भी ज्ञान धारण किया है, उस ज्ञान को ज़रूरत पड़ने पर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है पितृ ऋण जो है, हमारा जन्म जो है, जो जन्म हमें मिला है वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज और हमारे माता पिता पर के द्वारा दिया गया हमें जो जन्म है वो हम पर भार एक ऋण की तरह, उधार की तरह है, और हम उसे किस तरीके से चुका सकते हैं? बाय परफॉर्मिंग श्राद्ध सेरेमनी, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी श्राद्ध सेरेमनी परफॉर्म करके कर सकते हैं, एंड बाय कंटिन्यूइंग जीन, ठीक है। तो ये था ऋण। ऋण कितने प्रकार के हैं? तीन है, इसलिए इन्हें त्रिय ऋण भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको लेक्चर यूजफुल लग रहा होगा, आप इसके ब्रीफ में नोट्स बनाते चलें और उन्हें रिवाइज करते रहें। आपको यदि कोई भी डाउट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो सेंटर पे आकर पर्सनली टीचर्स से मिल सकते हैं, उनके द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।